नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी के सीईओ कहते हैं, राउरकेला स्टील प्लांट के लाभप्रदता के लिए हॉट स्ट्रिप मिल से लगातार उत्पादन और प्रेषण एक महत्वपूर्ण पहल है। सीपीपी एक विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान। और परिशुद्धता मापन उपकरणों की रीडिंग एवं कैलिब्रेशन पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्विनी कुमार ने 1 सितंबर को हॉट स्ट्रिप मिल में कर्मचारियों से विचार विमर्श करते हुए कहा, राउरकेला स्टील प्लांट के लाभप्रदता के लिए हॉट स्ट्रिप मिल से लगातार उत्पादन और प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री कुमार एवं कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री सुभेंद्र दास ने कर्मी समूह द्वारा अगस्त 2017 में 101,184 टन एचआर क्वाइल के मासिक प्रेक्षण रिकॉर्ड हासिल करने पर सभी संबंधितों को बधाई देने हेतु विभाग में गए, जो स्थापना के बाद से अब तक का सर्वोच्च था। सीईओ ने कहा, प्रेक्षण में निरंतरता बनाए रखने एवं विलंब से बचने के लिए क्वाइलों का समय पर प्रेक्षण हेतु तैयारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और सभी ने एक शानदार कार्य किया है और सभी बधाई के पात्र हैं। अब तक इस गति को बनाए रखने का समय है ताकि हम जल्द से जल्द शुद्ध लाभ प्राप्त कर सके। मुझे विश्वास है इस तरह के समन्वय और टीम कार्य से जो प्रदर्शित किया गया है, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। सभा को संबोधित करते हुए कार्यपालक निर्देशक वर्क्स ने सभी को बधाई दी और कहा कि आवश्यक प्रेरणा दिया गया है और अब इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी को इस अवसर पर प्रोत्साहित किया कि आरएसपी पर लाभप्रदता बहाल हो गई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निर्देशक वर्क्स के साथ विभागों के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों और हॉट स्ट्रिप मिल के स्टाफ तथा संबंधित सेवा विभाग जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग एवं कंट्रोल, ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल, रिसर्च एवं कंट्रोल लेबोरेटरी, क्रेन मेंटेनेंस तथा कंप्यूटर एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मार्च 2014 में 92,506 टन एचआर क्वाइल का प्रेक्षण कर पिछला मासिक रिकॉर्ड हासिल किया गया था। एचआर क्वाइल का यह मासिक प्रेक्षण मुख्य रूप से पीपीसी, ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल, आरएनसी लैब, क्रेन मेंटेनेंस और सीएनआईटी जैसे सभी संबंधित सेवा विभागों के योगदान एवं सहयोग से संभव हुआ, जो हॉट स्ट्रिप मिल विभाग के साथ मिलकर कार्य करते हैं। उपलब्धियों में सहयोग करने वाले अन्य पहलुओं में पूरे माह वैगनों की उपलब्धता, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वांछित गुणवत्ता के ऑर्डर और सुसंगत उत्पादन की उपलब्धता शामिल थे। दूसरी सुगम सुविधा HSM के FG बे में अतिरिक्त 2 वेल्डिंग मशीनों की स्थापना थी, जो रेलवे वैगनों को बहाल करने, हासिल करने में तेजी लाने में मदद करती थी। यह भी उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने क्वांटिटी एवं क्वालिटी दोनों में एचएसएम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई पहल की है। कोलकाता, भुवनेश्वर और राउरकेला से हॉट रोल कॉइल के 10 प्रमुख ग्राहकों को हाल ही में प्लांट में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा था कि उत्पादन और सेवाएं उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। कैप्टिव पावर प्लांट एक विभाग के सम्मेलन कक्ष में 30 अगस्त को आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में महाप्रबंधक पावर श्री एस सी पटनायक ने सीपीपी एक के सहायक बॉयलर कंट्रोलर श्री डी बिश्वाल को जून 2017 के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया।
जिसमें प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक उपहार शामिल था। इस अवसर पर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि श्री विश्वाल ने FBB बॉयलर 1 एवं 2 के निष्पादन सुधार और पायलट मिक्स्ड गैस फायरिंग के माध्यम से हाई प्रेशर बॉयलर 5 एवं 6 के ज्वलन निष्पादन सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु मान्यता प्राप्त की। आगजनित बाधा एवं निरंतर क्लिंकर बनाने के कारण FBC बॉयलर 1 एवं 2 के बॉयलर आउटलेट लगभग निकल गया था। कनिष्क प्रबंधक कार्मिक श्री एस त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया। शॉप को उप प्रबंधक कार्मिक श्री SC पंडा ने CPPA के सहायक प्रबंधक श्री SSS महंती के साथ श्री विश्वाल के निवास पर गए और उनके स्वजनों को पुष्पगुच्छ, मिठाइयां तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मानव संसाधन विकास केंद्र की मशीन शॉप में 21 से 23 अगस्त तक परिशुद्धता मापन उपकरणों की रीडिंग एवं कैलिब्रेशन पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रोल शॉप खदान TNRM, SMS2, ब्लास्ट फर्नेस, जल प्रबंधन CPP और क्रेन मेंटेनेंस विभाग से कुल 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वर्नियर कैलिपर्स एवं माइक्रोमीटर, डायल टेस्टिंग इंडिकेटर, कैलिब्रेशन और लिस्ट काउंट तथा रीडिंग मेथोडोलॉजी जैसे माप उपकरणों के विभिन्न पहलुओं पर सैद्धांतिक जानकारी की गई। HRD के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर श्री बी करण एवं PCS के उप प्रबंधक श्री AR पंडा ने सत्रों का संचालन किया। HRD के सहायक प्रबंधक श्री SS पुनिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।